दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और नई लोन एप्लीकेशन लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है कैश कैश। कैश कैश जो है ये लोन एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सीमा और डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है ये कैलकुलेटर की तरह इन्होंने एप्लीकेशन को बनाया है, बट एक्चुअल में लोन प्रोवाइड करते हैं। बने रहना वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा इसे। 4.5 रेटिंग के साथ में आपको जो कि यहाँ पर 50,000 इसके अभी डाउनलोड हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर आपको मैं रिव्यू भी इसके दिखा देता हूँ। 4.5 इस 5 स्टार की रेटिंग आप देख सकते हैं कितनी लंबी है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा रहा है, आई वाज एबल टू लोन 5000 टू हेल्प मी। यहाँ पर लोन ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है कि कभी भी जो रिव्यू है उनको देख कर नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि चिल्लर के भाव में बहुत सारे रिव्यू फेक रिव्यू मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कि इसके अबाउट दिस एप्लीकेशन में जाते हैं, कहीं पर भी आपको जो है कि लोन के बारे में दिखाई नहीं देगा। हाँ, मॉर्गेज लोन वगैरह जरूर यहाँ से आपको जो है कि देखने को मिल जाता है, जैसे कि थोड़ा बहुत। हाँ, ये मॉर्गेज लोन सिंप्लीफाइड जो है ये कैलकुलेटर की तरह बनाया गया है, बट यहाँ पर आपको लोन ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर वेल इक्विप लोन कैलकुलेटर, तो ऐसा इन्होंने बता रखा है। बट ये जो इनकी NBFC है वो NBFC कोई भी यहाँ पर लिस्टेड नहीं कर रखी, इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है। तो क्या ये लोन एप्लीकेशन रियल है या फेक है, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर रियल है तो किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट से लोन अप्लाई करना है, अगर फेक है तो किस प्रकार से आपको इसका हरेसमेंट से बचना है, या फिर आपको फेक लोन अप्लाई करना है। बने रहना, फेक लोन कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको जो है कि एप्लीकेशन कब आई वो चेक कर लेते हैं। 15 नवंबर को एप्लीकेशन आई है, 2 दिसंबर यानी कि अभी रिसेंटली अपडेट की गई है इस एप्लीकेशन को। परमिशन की बात करें तो ये परमिशन आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी हम जो है कि आ जाते हैं बाहर और इस एप्लीकेशन में करते हैं एंटर। यहाँ पर आपको जो बाहर आने के बाद में सबसे पहले आपको करना है इंस्टॉल पर क्लिक। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद में आपको इसका लोगो देख सकते हैं, इस प्रकार से लोगो आपको देखने को मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका अंदर का इंटरफेस देख सकते हैं, इस प्रकार से कैलकुलेटर वगैरह इन्होंने बता रखा है, बट एक्चुअल में लोन प्रोवाइड करता है। बने रहना थोड़ी देर और। बस यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन। अब जैसे आप लोन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर और आपका OTP यहाँ पर फिल करना होगा। कोई भी जो कैलकुलेटर वाली लोन रहती है, लोन कैलकुलेटर वाली रहती है एप्लीकेशन, वो नंबर तो मांगती नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं रहती उनको नंबर की, बट ठीक है भाई। यहाँ पर हम देखते हैं लोन कितना देती है। तो यहाँ पर आपको जो है आपका मोबाइल नंबर OTP फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा। देख सकते हैं हम जो कि यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने कैलकुलेटर वाली लोन एप्लीकेशन है, बट यहाँ पर क्या दे रही है, वो लोन दे रही है कैश कैश पर्सनल लोन अप्लाई। यहाँ पर आपके सामने सब कुछ, इसका हम सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं। यहाँ पर आपको जो 50% ऑफ एनुअल इंटरेस्ट रेट लिमिटेड टाइम ऑफर, जो लैंडिंग पार्टनर का नाम बता रहे हैं वो है इन्फिनिटी फिनकॉर्प सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाली इनके लैंडिंग पार्टनर बता रहे हैं। तो 5 लाख रुपये तक का लोन ये एप्लीकेशन देने का दावा कर रही है। चलो गेट फर्स्ट लोन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको जो है कि सबसे पहले आपके ईमेल ID और पर्पस आपको चूज़ करना है, क्यों आपको जो है कि यहाँ पर लेना है लोन। मंथली इंडिविजुअल इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ पर आपको जो है कि बता देना है इनको, ठीक है। उसके बाद में आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना है, आप क्या है, अनएम्प्लॉयड है या हाउस मेकर स्टूडेंट, कुछ भी आप यहाँ पर आप चूज़ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इंडस्ट्री आपको जो कि यहाँ पर चूज़ करना है कि कौन सी इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं, कौन सी में नहीं, तो जो भी आपकी वो चूज़ कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है कि एजुकेशन आपको बताना है, आपका एजुकेशन क्या है, तो आप बैचलर डिग्री आपके पास, मास्टर डिग्री जो भी आपके पास में वो चूज़ कर लेना। एजुकेशन वगैरह आप जो है कि आपका जो भी है यहाँ से चूज़ कर लेना आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ पर कुछ एक ले लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है ईमेल आईडी फिल करना होगा। तो चलो जो है कि एक ईमेल आईडी में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आपके सामने ही, और यहाँ पर ये रही ईमेल आईडी इसका। अभी हम जो है कि डालने के बाद में अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बटन, ये नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करोगे तो आगे की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो है आपका पेन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ देना, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। चलो ये भी प्रोसेस मैं कंप्लीट करके आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि आप पेन का नंबर, अगर ऐसा नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है, कॉपी करना हो, कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट करना है आपको, ठीक है। पेस्ट कहाँ पर करना है, देन आगे आपको जो भी यहाँ पर लिखने का आएगा वो यहाँ पर आप लिख देना। तो दोस्तों पेन नंबर तो उसने गलत भी लिए तब भी आगे बढ़ गई, ये देखते हैं आगे क्या करती है एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको जो है कि आपका आधार नंबर फिल करना है, ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर जो OTP का बता रहे हैं तो OTP यहाँ पर फिल करना होगा। चलो जो कि ये प्रोसेस मैं कंप्लीट करके आगे आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं हमने जो कि यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है और OTP भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। ऐसा हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने गलत ही डाला है और सिम इसमें है नहीं, तब भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर OTP फिल हो गया। हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
यहाँ पर आपको जो है आपका बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, और यहाँ पर आपका बैंक नंबर वापस से आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल करना है, देन आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। चलो जो कि मैं बैंक अकाउंट नंबर फिल करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो है कि सब फिल कर देने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है कि गलत भी ला लेंगे तब भी आपको देखना होगा आगे की बढ़ी जाएगी आपकी प्रोसेस, लोन एलिजिबिलिटी प्रोसेस आपकी बढ़ रही है आगे, जितना भी एलिजिबल आपको होगा अमाउंट वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप बात ध्यान में रख के चलना कि यहाँ पर आपको कितना अप्रूवल मिलता है वो लाइव हम देखते हैं, और एप्लीकेशन रियल है फेक है वो भी हम समझने वाले हैं थोड़ी देर में, आपको तो पता चल ही गया होगा। वैसे कुछ देर और वेट करते हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर आगे की प्रोसेस से बता देगा कि क्या आपको करना होगा। कोई रियल लोन एप्लीकेशन अगर रहती ऐसे तो ऐसा कभी भी नहीं होता, तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि फेक लोन एप्लीकेशन है पूरी तरह से। तो अभी हम देख लेते हैं आगे की प्रोसेस और भी ये करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो लोन एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो ऑलरेडी रिसीव यहाँ पर क्या लिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन क्वालिफाई फॉर द लोन, सिलेक्ट द लोन अमाउंट एंड लोन टर्म यू विल गेट टू इमीडिएटली। यहाँ पर आपको जो एक लोन अमाउंट अकाउंट में लेना है तो आगे बढ़ना है, गेट मनी पर क्लिक करना है। ये तो यहाँ पर हमने जो कितना सब कुछ फेक डाला तभी हमें अप्रूवल दे दिया, गेट मनी पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको जो है कि कितना अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र करना है, कितना लेना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये का लोन देखने को मिल रहा है, जिसमें 12 महीने के ईएमआई वगैरह टेन्योर, उसके बाद में यहाँ पर आपका मंथली इंटरेस्ट जो लगेगा 0.21% है, मंथली रीपेमेंट आपको जो आएगी वो आएगी 8,750 रुपये, और नीचे आप देख सकते हैं लोन रीपेमेंट डेट लास्ट आपकी तब ख़त्म होने वाली है। हम बोरो मनी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन प्रोग्रेस आपकी स्टार्ट हो गई है, लोन अप्रूव वगैरह यहाँ पर थोड़ी देर में हो जाएगा, देन यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे ऐसा वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है कि एप्लीकेशन में कोई भी आपको रियल डेटा नहीं यूज़ करना है, फेक लोन एप्लीकेशन है पूरी तरह से, और अगर आप फेक तरीके से इसको लूटना चाहते हैं तो आप इसको लूट सकते हैं, आप अगर होशियार है तो सेकेंडरी फ़ोन इसका यूज़ करना। अगर नहीं पता है कैसे आपको फेक लोन लेना है तो मैंने टॉप 3 फेक लोन एप्लीकेशन वाले में बताया कि कैसे आपको फेक लोन लेना होगा, तो आई बटन में ऐड कर दूंगा उसका वीडियो में। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई भी क्वेरी रहती किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।